Question is, the tool life equation for high speed steel tool is V into T to power 0.14 into F to power 0.7 into D to power 0.4 is equal to constant. The tool life T of 30 minutes is obtained using the following cutting conditions. Cutting speed V is equal to 45 meter per minute, feed is equal to 0.35 millimeter, and depth of cut D is equal to 2 millimeter. If speed, feed, and depth of cut are increased individually by 25%, the tool life in minutes is option A 0.15, option B 1.06, option C 22.5, and option D 30. देखिए एक टूल लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील टूल के लिए. चलिए देखते हैं क्या है टूल लाइफ इक्वेशन. तो टूल लाइफ इक्वेशन है हमारा V into T to power 0.14 into F 0.7 into D 0.4 equal to constant. क्वेश्चन में ये टूल लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है और कटिंग स्पीड की वैल्यू, फीड की वैल्यू, डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू और टूल लाइफ की वैल्यू भी दी हुई है. तो चलिए देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. कटिंग स्पीड की वैल्यू दी हुई है 45 मीटर पर मिनट, इसे हम लोग एमएम में लिख सकते हैं 45,000 एमएम पर मिनट. उसके बाद फीड दिया हुआ है, फीड की वैल्यू दी हुई है 0.35 mm, एंड डेप्थ ऑफ कट इज ऑल्सो गिवेन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2.0 mm, एज वेल एज टूल लाइफ इज ऑल्सो गिवेन इन द क्वेश्चन एज 30 मिनट. द वैल्यू ऑफ टी इज गिवेन इन द क्वेश्चन 30 मिनट्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि अगर हमने फीड, डेप्थ ऑफ कट और टूल लाइफ को 25% इंडिविजुअली तीनों को अगर इंक्रीज कर दिया तो जो नया टूल लाइफ है हमारा वो क्या होगा. ठीक है, तो व्हाट विल बी द टी न्यू, नया टूल लाइफ हमारा मिनट में क्या आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. तो देखिए सबसे पहले हम लोग, हमें सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं यहाँ पे टूल लाइफ इक्वेशन में. हमें V भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है. तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम लोग C को फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू को. कांस्टेंट की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद नए टूल लाइफ इक्वेशन में हमें T फाइंड आउट करना है. तो V को 25% बढ़ाएंगे, F को 25% बढ़ाएंगे और D को 25% बढ़ाएंगे और इस प्रकार से हम लोग टी न्यू, न्यू टूल लाइफ हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट सी की वैल्यू. तो हमारा वी हो गया 45,000 इंटू टी की वैल्यू है 30 मिनट्स, 30 टू पावर 0.14 इंटू फीड की वैल्यू है 0.35 टू पावर 0.7 इंटू डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू 2 है, 2 टू पावर 0.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब कैलकुलेटर की सहायता से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45842.58. This will be the value of constant. Constant एक बार हमको प्राप्त हो गया, अब हम आसानी से T new निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, नई टूल लाइफ फाइंड आउट करना है हमको तो कैसे करेंगे. T new पावर हो जाएगी 0.14 is equal to constant divided by V into F into D. तो constant की वैल्यू क्या है, एक बार सिंपल लिख देते हैं, C डिवाइडेड बाई, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% इंडिविजुअली हमें फीड को, डेप्थ ऑफ कट को और कटिंग स्पीड को बढ़ाना है.
तो चलिए क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग कटिंग स्पीड लिखते हैं तो 1.25 टाइम्स वी हो जाएगा इनटू, यानी 25% हमने वी को बढ़ा दिया तो 1.25 इनटू वी कर देंगे। उसके बाद वी हो गया, उसके बाद हमें फीड लिखना है, तो फीड कितना हो जाएगा हमारा, फीड भी हो जाएगा 1.25 टाइम्स एफ पावर 0.7 इंटू, लास्ट बचा हमारा डेप्थ ऑफ कट, तो डेप्थ ऑफ कट 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1.25 डी, 25% बढ़ाने के बाद 1.25 डी हो गया पावर 0.। सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी न्यू इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 4,542.58 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू, वी की वैल्यू है 45,000 इंटू 1.25 इंटू फीड की वैल्यू है 0.35 पावर 0.7 इंटू 1.25 इंटू डी की वैल्यू है 2 मिलीमीटर टू पावर 0.4। और यहां पे जो 0.14 है इसको दोनों साइड डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में 1 divided by 0.14, this is 2। Okay, when we will calculate it, जब इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.06 मिनट्स, 1.06 मिनट्स, क्योंकि यहां मैंने लिखा हुआ है 1.06 मिनट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।